कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारियाँ? उम्मीद है अच्छी चल रही होंगी। आज हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। आखिर हिंदी भाषा जो है अब तक किस परिस्थितियों से गुजर कर आई। देखिए, किसी भी भाषा का जो विकास होता है वो क्रमिक होता है, स्नेह स्नेह होता है। इसमें शताब्दियां गुजर जाती हैं उस भाषा को आज तक पहुंचने में, या इसमें जो परिवर्तन होता है इतना धीमा होता है कि पता नहीं चलता है ना। तो आज हम लोग हिंदी भाषा अब तक की स्थिति में कैसे आई है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व में 3000 से भी अधिक भाषाएं हैं, है ना, 3000 लगभग 3000 से भी अधिक भाषाएं हैं, उसमें एक है हमारी हिंदी, ठीक है। और जो हिंदी भाषा है ये हिंदी का शब्द नहीं है, जो हिंदी भाषा का हिंदी शब्द जो है वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये जो है फारसी शब्द है। हिंदी फारसी शब्द है और इसे ईरानियों ने दिया है। हिंदी जो है, हिंदी एक फारसी शब्द है और इसे किसे दिया है? ईरानियों ने, इस शब्द को ईरानियों ने दिया है। उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि जिस भाषा के जो शब्द हो उसी भाषा के। आइए हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है, ठीक है ना, तो हिंदी भाषा जो है वो किस परिवार से निकली है। तो यदि हम भारत में देखें, ठीक है, भारत में देखें तो भारत में भाषा के चार परिवार हमें दिखाई देते हैं, चार परिवार मिलते हैं। भारत में भाषा के चार परिवार है। भारत में भाषा कितने परिवार है? चार परिवार है। एक है भारूपी, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बत, ठीक है। तो जो हिंदी निकली है वो इसी से निकली है, भारूपीय से निकली है। हिंदी जो है भारूपीय से निकली है। द्रविड़ से निकली हुई भाषा कौन सी है? जो भारत के दक्षिण प्रांत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली जो भाषाएं जो बोली जाती हैं वो द्रविड़ से निकली हुई है। तो उस प्रकार देखते हैं कि भारत में, यहाँ पे भारत की बात हो रही है ना, तो भारत में चार भाषा परिवार है। भारत में ये चार भाषा परिवार है जिसमें भारूपीय है उसी से हिंदी निकली है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भारूपीय भाषा परिवार है, परिवार की जो भारूपीय है उसकी भी कई शाखाएं हैं, भारूपीय की भी कई शाखाएं हैं, ठीक है। उसमें एक भारूपीय की भी कई शाखाएं हैं, देखिए उसमें एक है भारतीय ईरानी। यहाँ पर हम हिंदी तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हिंदी तक पहुंच रहे हैं और उनकी अन्य शाखाओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक है भारूपीय की शाखा कौन सी है? भारतीय ईरानी। इसके और भी शाखाएं हैं, एक शाखा है भारतीय ईरानी और भारतीय ईरानी के फिर कई शाखाएं हैं। भारतीय ईरानी जो है इसके भी फिर कई शाखाएं हैं, उपशाखा, जिसे हम उपशाखा कहेंगे। तो उसके उपशाखा कौन है? भारतीय आर्य, मतलब भारतीय ईरानी के कई उपशाखाएं हैं, कई उपशाखाएं हैं, उसमें एक है भारतीय आर्य, ठीक है। हिंदी हमारी यहीं से आई है, हम लोग इसके बारे में यहीं पे चर्चा करेंगे। भारतीय आर्य के 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। भारतीय आर्य में 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषा जो है, भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं जिससे कि हिंदी का उद्गम हुआ है। देखिए, जैसे भारतीय आर्य भाषा को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय आर्य भाषा पुनः उसको हम अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हो जाएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा है इसका समय जो होता है वो ईसा पूर्व का है, 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 तक, 500 ईसा पूर्व तक इसका समय जो है 500 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसे देव यहाँ इस समय जो है वो संस्कृत बोली जाती थी। यहाँ पे इस समय में संस्कृत, इस समय में यहाँ पे संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत के यहाँ पे हमें 2 रूप दिखाई देते हैं। यहाँ पे संस्कृत के 2 रूप कौन कौन से हैं? एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और
लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है इसका समय, देखिए जितना भी समय होता है वो 500 साल का होता है, ज्यादातर जो भी समय है उसको 500 साल में बांट करके अध्ययन की सुविधा के लिए उसको बनाया गया है। तो वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृत जो है 1500, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आता है। और जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत का जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार से भारतीय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इसका समय जो हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें इसमें संस्कृत बोली जाती थी यहाँ पे, और संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत और फिर लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इस समय में वैदिक संस्कृत में ही वेद उपनिषद लिखे गए, वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई, वेद और उपनिषद की रचना हुई। वैदिक संस्कृति में देखिए वेद उपनिषद की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत की रचना हुई। लौकिक संस्कृत में रामायण, देखिए मैं यहां लिखती हूँ रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत की रचना हुई। और लौकिक संस्कृत का समय कब से था, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो ये जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन दूसरे गाय का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट को भी ले लेते हैं। इसी में आता है पाली, सबसे पहला है पाली। तो उसी प्रकार से जैसे 500 तक का समय था, इसमें 500 तक का ही समय रहेगा। जैसे ये जो पाली का जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक जो पाली है, इसमें ही बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई, पाली में ही बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई। साथ ही साथ त्रिपिटक, आप लोगों ने नाम सुना होगा त्रिपिटक की रचना हुई। त्रिपिटक में कौन कौन से थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसी समय में देखिए यहां पर लिखा शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसकी रचना हुई। तो पाली जो था इसका भी समय 500 का था, 500 ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी तक, ठीक है। इसकी रचना हुई, इस समय में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद आइए आगे देखते हैं पाली के बाद प्राकृत, पाली के बाद होता है प्राकृत, ठीक है। पाली के बाद है प्राकृत, इसका भी समय जो है 500 ही है, इसका एक ईस्वी से अभी शताब्दी में आ गया, ये पहले नहीं है, ठीक है ना। पहले क्या था, ये बीसी में था, अब ये क्या इसमें आ गया, ये एडी में आ गया, है ना। तो फर्स्ट से पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक, ये सब उन्होंने 500 शताब्दी तक ये जो है प्राकृत में रचना होने। पाली के बाद कौन सा आया, प्राकृत आया। प्राकृत में जो है वो जैन साहित्य की रचना, प्राकृत में जो है जैन साहित्य की रचना की गई, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई। और ये जो थी ये पंडितों की भाषा नहीं थी, जो प्राकृत थी वो पंडितों की भाषा नहीं थी, बल्कि इसमें जो उस समय नाटक लिखे जाते थे और जो अधम पात्र होते थे उनकी भाषा प्राकृत हुआ करते थे, तो प्राकृत। और इसके बाद अगला देखिए, अगला है अपभ्रंश, अपभ्रंश इसका भी समय 500 ही है। अपभ्रंश का समय होता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का हुआ। अपभ्रंश को जो है इसको पतंजलि ने भ्रष्ट और अशुद्ध भाषा, अशुद्ध शब्दों का भाषा कहा है, और हेमचंद और वाणभट्ट ने इसे
ग्राम भाषा कहा। हेमचंद और वाणभट्ट में ग्राम भाषा भी इसे कहा है, किसे? अपभ्रंश को। इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इसके साथ ही में अभी कहता है अवहट, अवहट ये जो है विद्यापति की भाषा थी। इन्होंने विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट भाषा में ही लिखा है। और जो अवहट है इसका समय जो है वो 900 से 1100, अवहट का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का, अवहट भाषा का 900 से 1100 ईस्वी तक के समय को अवहट का समय, भाषा का समय माना जाता है। तो ये हो गया मध्यकालीन, मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत ही, मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत ही जो प्राकृत है ना, जो प्राकृत है और अपभ्रंश है, इसके कई भेद थे, प्राकृत और अपभ्रंश के कई भेद थे, और इससे ही जो है हिंदी का उद्भव विकास हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं पहले प्राकृत के। तो यहाँ देखिए प्राकृत के बारे में लिखती हूँ। प्राकृत जो है इसके पांच भेद थे, प्राकृत के पांच भेद थे। कौन कौन से? सौर सैनी प्राकृत, पहला था सौर सैनी प्राकृत जो मध्य प्रदेश और मथुरा में बोला जाता था, मध्य प्रदेश और मथुरा का वो है उधर उधर चलता था सौर सैनी प्राकृत। दूसरा था पैशाची प्राकृत, पैशाची प्राकृत जो था वो उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित था। तीसरा है महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत नाम से ही प्रतीत होता है ये महाराष्ट्र में था। चौथा है मागधी प्राकृत, जो मागधी प्राकृत है वो बिहार में था। उसके बाद है पांचवा अर्धमागधी प्राकृत, ठीक है अर्धमागधी प्राकृत, ये प्राकृत के भाग है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित था। तो ये जो है ये प्राकृत के भेद थे, साथ ही साथ में अपभ्रंश के, अपभ्रंश के सात भेद हैं, ठीक है ना, जिनसे हिंदी निकली है मुख्य रूप से यदि देखें तो हिंदी जिससे निकली है अपभ्रंश के बाद आई है ना। तो अपभ्रंश के जो है सात भेद थे। तो ये जो पांच भेद है यही पांच है, साथ ही साथ दो भेद और है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देख लीजिए। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें क्या था? सौरसेनी प्राकृत था, ये क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली? इससे निकली राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूँ ये न केवल प्रायोगिक परीक्षा के लिए, साथ ही साथ में जो भी उत्तर लिखने के लिए आता है उसके लिए भी अनिवार्य है। प्रायोग मतलब जो प्रतियोगी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो अपभ्रंश बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से मैं इसलिए भी ऐसा लिख के छोड़ी हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, एक रनिंग नोट्स टाइप का इसको आप बना लें, कहीं पे भी लिख के रनिंग नोट्स टाइप का बना लें, ताकि आप केवल बस अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश ऐसा लिखने से आपको पता चलेगा अपभ्रंश के ये सात भाग है, सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं हैं, पैसाची अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो एक रनिंग नोट्स जो बस एक नजर में देखते के साथ याद हो जाए, इस कारण से मैं इस तरह से आप लोगों के लिए भी लिखती हूँ कि बहुत आसानी हो जाएगी, एक दो बार देखेंगे तो ऐसे ही एक पिक्चर सा बन जाएगा दिमाग में। तो अब देखिए सौरसेनी अपभ्रंश पे जाते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश जो है अपभ्रंश के सात भेद हुए, है ना, अपभ्रंश के कितने भेद हुए? सात भेद हुए, याद रखिएगा। और सौरसेनी अपभ्रंश पहला कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश, उसमें राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी इससे निकली। दूसरा था पैशाची अपभ्रंश, जो पैशाची अपभ्रंश है इससे लहदा और पंजाब, लहदा और पंजाबी ये दोनों भाषाएं किससे निकली है? पैशाची अपभ्रंश। इसको बिल्कुल याद करना है कि कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से निकली हुई है। अगला है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से नाम से लगता कौन सा निकला है? मराठी। अगला है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ठीक है ना, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया किससे निकला? मगधी से निकला है। फिर है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सा भाषा निकली? उससे निकली पूर्वी हिंदी। फिर है ब्रांचल अपभ्रंश, बस यही देखिए ये दोनों ही इसमें अलग है, प्राकृत अपभ्रंश और प्राकृत के जो प्रकार है और अपभ्रंश के जो प्रकार है बस यही दोनों अधिक है। एक है ब्रांचल अपभ्रंश, इससे कौन सी भाषा निकली? इससे सिंधी। और फिर अगला है खस, खस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? इससे निकली पहाड़ी, ये दोनों अलग है। तो मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं तो अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है, और अपभ्रंश मुख्य रूप से किससे किससे हुआ है? मुख्य रूप से सौरसेनी से हुआ है, मागधी से हुआ है, अर्धमागधी, मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं तो सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, ठीक है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से ही हिंदी का
विकास हुआ है। तो अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये तो हुआ मध्यकालीन, ठीक है ना, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये थी। अब आगे आइए देखते हैं इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी हम लोगों ने, विद्वानों ने तीन भागों में बांट दिया, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी विद्वानों ने तीन भागों में बांट दिया है। पहला कौन सा? प्राचीन हिंदी। पहला है प्राचीन हिंदी। इसका जो समय था प्राचीन हिंदी का, अवहट के काल में जो था ना, 1100 से 1400 तक के समय को बताया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद मध्यकालीन हिंदी, इसके बाद है मध्यकालीन हिंदी, इसका समय जो है 1400 से लेकर 1850 तक बताया गया है। फिर इसके बाद जो है आधुनिक हिंदी, फिर इसके बाद है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का समय जो है 1850 से अब तक का समय को आधुनिक हिंदी का समय बताया गया है। तो ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हम लोग पढ़ते, जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो इन सब के बारे में और बताऊंगी कि इनको जो है किस प्रकार से प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी को इसको किस प्रकार से, और भी बहुत सारे विद्वानों ने कई प्रकार से बांटा है। जैसे आधुनिक हिंदी में ही आप लोगों ने सुना होगा कि द्वैध युग, हरिश्चंद्र युग, प्रसाद युग, छायावाद युग, छायादत्तर युग, तो ये सभी इसके अंतर्गत किया जाता है। मध्यकालीन में आप लोगों ने सुना होगा भक्ति काल, रीति काल, है ना, इस तरह से, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है, वो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, उसको मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो अभी जो है यहाँ पर केवल हिंदी के बारे में, हिंदी जो है इन 3000 भाषाओं में जो हमारी हिंदी है वो किस तरह से अब तक, किस राहों से गुजरती हुई अब तक यहाँ पर आई है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको शायद कुछ, शायद क्या, यकीन आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।